हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को फार्म मशीनरी एंड पावर का एक टॉपिक बताने वाला हूँ, कूलिंग सिस्टम ऑफ इंजन, इंजन की शीतलन प्रणाली, इंजन को ठंडा कैसे किया जाता है, उसी को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम पूछता है, तो चलिए देखते हैं। इंजन चलने पर गर्मी पैदा करती है, अगर इस हीट को बाहर न निकाला जाए तो पिस्टन सीज हो जाते हैं यानी फंस जाते हैं, क्योंकि ताप बढ़ने से धातु के आयतन में प्रसार होता है। इससे बचने के लिए इंजन को ठंडा रखना पड़ता है। दोस्तों, क्या बताया जा रहा है, जो इंजन होता है हमारे बाइक में, हमारे जो बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, बड़े बड़े जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर जो इंजन पाया जाता है, तो उसके चलने से उसके अंदर हीट पैदा होती है। यदि उस हीट को कम न किया जाए तो उसकी इंजन के अंदर जो धातु पाई जाती है वो पिघलने लगेगा, उसमें प्रसार होने लगेगा। तो इसलिए इंजन को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए इंजन को ठंडा रखना पड़ता है। तो इंजन को ठंडा करने के लिए दो विधि अपनाई जाती है, पहला होता है वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है एयर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम मतलब दोस्तों पानी से इंजन को ठंडा किया जाएगा, और एयर कूलिंग सिस्टम मतलब दोस्तों हवा के द्वारा इंजन को ठंडा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं दोनों प्रकार। इंजन में दो तरह के कूलिंग सिस्टम पाए जाते हैं, पहला वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा एयर कूलिंग सिस्टम। तो वाटर कूलिंग सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, दोस्तों। पहला होता है बलकृत जल शीतलन प्रणाली या फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम। तो वाटर कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पहला फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम। इनमें से दोस्तों जो फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम वो सबसे ज़्यादा उसी का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम होता क्या है। तो देख रहे हैं, फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम बलकृत जल शीतलन प्रणाली, तो इसमें कूलिंग के लिए पानी का यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वाटर कूलिंग सिस्टम इंजन कूलिंग दो प्रकार से होते हैं, पहला वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा एयर कूलिंग सिस्टम। उसमें हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम पढ़ेंगे, वाटर कूलिंग सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, पहला फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम। तो हम लोग फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कूलिंग के लिए पानी यूज किया जाता है, जिसके साथ कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इंजन ब्लॉक में दोस्तों इंजन का जो क्षेत्र होता है, तो इंजन ब्लॉक में पिस्टन के साइड में वाटर जैकेट बने होते हैं। पिस्टन को ठंडा रखने के लिए वाटर को पिस्टन के बगल से गुजारा जाता है, जिससे इंजन की गर्मी वाटर में चली जाती है और इंजन ठंडा हो जाता है। क्या बताया जा रहा हूँ दोस्तों, मैं इसकी अगली वीडियो में आप लोगों को दिखा कर बताऊँगा कि कैसे इंजन ठंडा होता है। आप लोग अभी सिर्फ देख पढ़ के समझ लीजिए, तब उस समय आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इंजन को कूलिंग करने के लिए फोर्स वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें इंजन को कूलिंग करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, और पानी के साथ कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इंजन ब्लॉक में पिस्टन के साइड में वाटर जैकेट बने होते हैं, जिसको पिस्टन को ठंडा करने के लिए पानी को पिस्टन के बगल से गुजारा जाता है, तो इंजन की जो गर्मी होती है वह वाटर में चली जाती है। तो इसी क्रिया को कहा जाता है फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम या बलकृत जल शीतलन प्रणाली। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम, ये भी बलकृत जल शीतलन प्रणाली की तरह ही होता है। इसी दोस्तों बलकृत जल शीतलन प्रणाली मतलब वाटर कूलिंग, फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम। तो जो थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, यह भी बलकृत जल शीतलन प्रणाली की तरह ही होता है। इसमें केवल रेडिएटर को इंजन से ऊपर रखा जाता है, इसमें कोई वाटर पंप नहीं लगा होता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है, गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में हल्का होता है, और हल्की वस्तु तैरकर सदैव ऊपर आ जाती है। तो रेडिएटर के ऊंचा होने के कारण पानी रेडिएटर द्वारा इंजन के वाटर जैकेट में चला जाता है। जब इंजन चलता है तब यह पानी गर्म होता है और ठंडे पानी के ऊपर तैरता रहता है। इस प्रकार रेडिएटर से ठंडा पानी सदैव आता रहता है। दोस्तों, यह आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये भी दोस्तों जो फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम उसी की तरह होता है। इसमें केवल जो रेडिएटर होता है वह इंजन से कुछ ऊपर रखा जाता है, इसमें कोई वाटर पंप नहीं लगा होता। यह वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, जैसे कि दोस्तों गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में हल्का होता है। दोस्तों इंजन जैसे हो गया,
इंजन नीचे से दोस्तों यहाँ से जो ठंडा पानी है यह इंजन को ठंडा करेगा, और जो पानी यहाँ पे गर्म हो जाएगा वह गर्म पानी हल्का होने के कारण ऊपर आ जाएगा और नीचे से लगातार गर्म पानी ऊपर आता रहेगा। तो यही यही सिद्धांत है दोस्तों कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में हल्का होता है और हल्की वस्तु तैर कर सदैव ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों जब नीचे का पानी हल्का हो जाएगा गर्म होकर तो वह ऊपर आ जाएगा, और रेडिएटर के ऊंचा होने के कारण पानी रेडिएटर के द्वारा इंजन के वाटर जैकेट में चला जाता है, तब इंजन चलता है, ये पानी गर्म होता है और ठंडे पानी के ऊपर तैरता है, और इस प्रकार रेडिएटर से ठंडा पानी सदैव आता रहता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, यह इसी विधि को थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा दोस्तों, एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। इसका यूज ज़्यादातर 2 स्ट्रोक इंजन एवं 4 स्ट्रोक की हल्की गाड़ियों में होता है। इसमें कूलिंग हवा के जरिए किया जाता है, मोटर बाइक में ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइक होती हैं उनमें किया जाता है, और जो 4 स्ट्रोक की हल्की गाड़ियाँ होती हैं उनमें किया जाता है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इंजन बाइक बाइक के नीचे दोस्तों इस आकार का एक फिन्स बना होता है। सॉरी दोस्तों अभी आप लोगों को फिन्स दिखा देता हूँ, पहले आप लोग देख लीजिए। तो इंजन के ऊपर फिन्स बने होते हैं जो कि एल्यूमिनियम एलाय के बने होते हैं। इन पर जब हवा टकराती है तब इनकी गर्मी सराउंडिंग एटमोस्फियर यानी वातावरण में चली जाती है और इंजन ठंडा हो जाता है। कुछ बड़े इंजनों में इनके सामने फैन को लगाया जाता है जो इसकी गर्मी जल्दी निकाल देते हैं। इन गाड़ियों की दक्षता जो इफिशियंसी होती है वह कम होती है और इन्हें दूर तक नहीं चलाया जा सकता। तो दोस्तों आप लोग मैं फिन्स दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यही जो है यही फिन्स है बाइक में दोस्तों लगा होता है इंजन के ऊपर, तो इसी को फिन्स कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंजन को कूलिंग के लिए ऑयल का भी यूज किया जाता है, जिसमें वाटर की जगह ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह था वाटर कूलिंग सिस्टम जो कि मैंने आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से बताया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ नहीं समझ में आया तो एक बार मैं लेक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ, आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। तो कूलिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्यों कूल करना पड़ता है इंजन को। तो इंजन जब चलता है तो इंजन गर्मी पैदा करता है, यदि इस हीट को बाहर ना निकाला जाए तो इंजन के पिस्टन सीज हो जाएंगे यानी फंस जाएंगे, क्योंकि ताप बढ़ने से धातु के आयतन में प्रसार होता है, धातु का आयतन बढ़ता है या धातु पिघलने लगता है। इससे बचने के लिए ही इंजन को ठंडा रखना पड़ता है। इंजन को 2 तरह से ठंडा किया जाता है, पहला होता है वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है एयर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम 2 प्रकार का होता है, फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम और थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम, जिनमें से सबसे ज़्यादा फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें कूलिंग के लिए पानी यूज किया जाता है जिसके साथ कूलेंट का भी प्रयोग किया जाता है। इंजन ब्लॉक के पिस्टन के साइड में वाटर जैकेट बने होते हैं जो पिस्टन को ठंडा रखने के लिए वाटर को पिस्टन के बगल से गुजारा जाता है, जिसमें इंजन की गर्मी वाटर में चली जाती है और इससे इंजन ठंडा हो जाता है। इसके बाद दूसरा है थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम, ये भी फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम की तरह होता है। इसमें केवल रेडिएटर को इंजन से कुछ ऊपर रखा जाता है, इसमें वाटर पंप नहीं लगे होते हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में हल्का होता है और हल्की वस्तु तैर कर सदैव ऊपर आ जाती है। रेडिएटर के ऊंचा होने के कारण पानी रेडिएटर द्वारा इंजन के वाटर जैकेट में चला जाता है। जब इंजन चलता है तब ये पानी गर्म होता है और ठंडे पानी के ऊपर तैरता है, और इस प्रकार रेडिएटर से ठंडा पानी सदैव आता रहता है। इसके बाद है दूसरा हम लोगों ने देखा एयर कूलिंग सिस्टम। इसका उपयोग ज़्यादातर 2 स्ट्रोक इंजन एवं 4 स्ट्रोक इंजन की हल्की हल्की गाड़ियों में होता है। इसमें कूलिंग हवा के जरिए होता है, ज़्यादातर इसकी प्रयोग दोस्तों मोटर बाइक में किया जाता है। मोटर बाइक में दोस्तों मतलब बाइक में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों इस आकार का बना हुआ रहता है बाइक में, जहाँ पर दोस्तों इसी पे आके एयर लगता है, इसी पे आके हवा लगता है, तो दोस्तों इंजन जो होगा ठंडा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं मैंने आप लोग जितना बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।